नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आजकल ये टोने टोटके के नाम पर बहुत से लोग घूम रहे हैं जो आपको आपके पैसों से ठगते तो हैं ही, साथ साथ आपका काम भी बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए और ध्यान रहे कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। हम जो आपको किसी भी समस्या से सुलझने का जो उपाय बताएंगे, वो हमारे गुरुजी द्वारा कठिन तपस्या और साधना के बाद सिद्ध किया हुआ उपाय है दोस्तों। और जो मंत्र हमारे गुरुजी आपको देंगे, वो मंत्र भी बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं जो हमारे गुरुजी ने बहुत ही कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किए हैं। तो आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, हम उसका हल लेकर आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा कि हमारे जीवन में कितनी तरह की परेशानियां हैं। कोई या तो अपने घर में अपने ही पति से परेशान है या अपनी पत्नी से परेशान है, घर में बहुत झगड़े होते हैं, शांति नहीं है घर में, या फिर बेटा अपने माँ बाप से रूठ कर कहीं बाहर चला गया है और वापस नहीं आ रहा है। कारण माँ बाप को नहीं मालूम कि वो क्यों गया है। और इस तरह की कई समस्याएं हमारे परिवार में आजकल बहुत ही आम हो गई हैं। दोस्तों, प्रेमिका प्रेमी से रूठ गई है और वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द वापस आए, लेकिन वो नहीं आ पा रही है। तो हम आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपकी प्रेमिका बहुत जल्द आपके सामने होगी और वापस आपकी ज़िंदगी में आएगी। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस विधि को कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी प्रेमिका का एक फोटो अपने पास रखें और उस फोटो पर मोमबत्ती से थोड़ा सा प्रकाश डालें। जब ये मोमबत्ती आप फोटो पर दिखा रहे हैं, तो उस समय आप अपनी प्रेमिका का नाम लें 7 बार। ये बहुत ही आवश्यक है। और वो प्रकाश डालने के बाद उस फोटो को आप फोल्ड करके अपने पास रखें, अपने वॉलेट में रखें, 7 दिन तक उसे अपने पास रखें। और एक श्रृंगार का ये थोड़ा सामान है जिसमें चूड़ी, कंघा, बुंदे, बिंदी और सुइयां, ये सब इसमें हैं। ये आप अगले दिन सुबह अपनी प्रेमिका को गिफ्ट में दे दें और 7 दिन तक आप इंतज़ार करें। अगर 7 दिन के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी प्रेमिका ने धारण कर ली है, तो समझिए कि वो आपके वश में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कारगर उपाय है और बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। और एक और चीज़ आप याद रखिए, जब भी आप अपनी प्रेमिका के पास जाएं, तो ये इत्र है गुलाब का, इसको आप धारण करें, इसको लगाएं और तब आप उसके सामने जाएं। जी हाँ, ये करने से 7 दिन के भीतर आपकी प्रेमिका आपके पास होगी दोस्तों, ये दावा है हमारा। जी हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कितना सरल उपाय है आपके पास अपनी प्रेमिका को अपने वश में करने का, ना सिर्फ इस समस्या के लिए बल्कि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या है, आप किसी भी बात से परेशान हैं या घर में आपके शांति नहीं है और आप शांति चाहते हैं, या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो आप बेझिझक निसंकोच हमारे गुरुजी से इन स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी बहुत से लोगों की तरह हम चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।